नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, मैंने गुरुवार के ऊपर और गुरु ग्रह के ऊपर ढेरों वीडियोस पहले भी अपलोड की है और आपको गुरु ग्रह के बारे में काफी जानकारियां दी है। आज फिर मैं आपको बता दूं कि जिस व्यक्ति के गुरु मजबूत होते हैं वो व्यक्ति बहुत ही रिस्पेक्टेड लाइफ जीता है। और आप हम सब चाहते हैं कि हमारी लाइफ में रिस्पेक्ट हो, लोग हमारा रिस्पेक्ट करें। बहुत कम लोग या शायद ही कोई ऐसा होगा जो ये चाहता होगा कि मेरा रिस्पेक्ट ना हो। इंसान अपने मान सम्मान के लिए, अपने इज्जत के लिए सब कुछ गंवा देता है, लेकिन अपनी इज्जत को बचा ले जाता है। जो इज्जतदार लोग हैं, मैं उनकी बात करती हूँ, क्योंकि आजकल मैंने देखा है दोस्तों, बहुत दुर्भाग्य की बात है ये, लेकिन कुछ पैसों के लिए कुछ लोग अपनी इज्जत सब कुछ गंवा देते हैं। बहुत दुख की बात है, खैर। लेकिन यदि आपके गुरु मजबूत है दोस्तों, तो आपके अंदर अपने आप आपकी जो बुद्धि है वो उच्च लेवल की होगी। आप और आपका परिवार हमेशा दोस्तों अच्छे रास्ते पर चलने वाला होगा, सत्य का साथ देने वाला होगा। जो लोग सत्य का साथ देते हैं, वैसे काफी लोग इस चीज को कमेंट बॉक्स में लिख चुके हैं कि हम जितना ही सत्य का साथ देते हैं हमें दुख ही मिलता है। तो दोस्तों, समय है ये कलयुग है। आजकल झूठे, मक्कार, लोभी, लालची, इन लोगों की बोलबाला है। इसके लिए वो लोग जो सत्य का साथ देते हैं कुछ पिछड़ जाते हैं। फिर ये चीज मैंने अपने से नोटिस की है कि जो लोग सत्य का साथ देते हैं, जो लोग ईश्वर पर बिलीव करते हैं, उन्हें ये लगता है, जैसे वो कोई भी कर्म करते हैं कि उन्हें ये लगता है कि हम तो सही है, हम तो सच्चे हैं, हम जो कह रहे हैं वो तो 100% सच है, तो हमारा साथ तो अपने आप ही भगवान देगा। तो हम क्या करते हैं, कोई चालबाजी नहीं खेलते, हम किसी दुष्ट को हराने के लिए कोई चाल नहीं फेंकते, झूठ नहीं बोलते हैं, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए कोई भी ऐसा रास्ता अख्तियार नहीं करते हैं जिसमें तुरंत सक्सेस मिल जाए। हम 110% भगवान के अधीन रह करके ही बात करते रहते हैं। और हमारे कंपैरिजन में जो झूठे हैं, चोर हैं, जो बदमाश है, चुगलखोर है, ऐसे लोगों को पता होता है कि भगवान उनका साथ देने वाला नहीं है। उन्हें अपना खुद का 100% लगाना है यदि उनको किसी काम में सफलता चाहिए। तो वे लोग क्या करते हैं, जो सत्यवादी है उनसे ज्यादा मेहनत कर जाते हैं, ये जो मिथ्यावादी लोग हैं, और वे सफल हो जाते हैं। और कितनी बार ऐसा होता है, जो लोग सत्य का साथ देते हैं कुदरत उनकी परीक्षा लेती है। आप देखना दोस्तों, जिस भी चीज को तराशा है उसको खूब पीटा गया है। जो भी चीज, आज एक मूर्ति भी है, उस पत्थर को जब मूर्ति बनाया तो उसको कितनी जगह से काटा गया, कहां कहां से उसको तराशा गया, तब वो जाकर के मूर्ति बनी। सोने को कितना तपाया जाता है तब वो जाकर के एक दागिने के रूप में परिवर्तित होता है। और आप इस चीज को लिख ले दोस्तों, जो चीज आपको आपका अनुभव बता देगा वो कभी किताबी ज्ञान आपको नहीं सिखा सकता। इसके लिए भी कुदरत परीक्षा करती है और वो हर तरीके के रास्ते से निकालने की कोशिश करती है। जो व्यक्ति हर तरीके के रास्ते से निकल जाता है और सक्सेस को हासिल कर लेता है, वो एक दिन अपने सपनों को साकार जरूर करता है। तो कभी भी आप यूं ना सोचें कि सत्य का साथ देने वाला इंसान हार जाता है। हारता नहीं है, ठीक है, हार और जीत के बीच में फर्क ही कितना होता है दोस्तों। जो लोग थोड़ा सा जीत करके घमंड में आ जाते हैं, उन्हें हारने में देर नहीं लगती। और कितना भी आप हार जाएं, अपने अंदर के विश्वास को पकड़ करके रखें, जीतने में देर नहीं लगती। हार और जीत के बीच थोड़ा सा ही फासला है, हमें तब तक दूरी दिखाई देती है जब तक हम जीत हासिल नहीं कर लेते, ठीक है। अंदर की ताकत को कभी भी खत्म ना होने दें। आपके गुरु यदि बलवान है तो आपके अंदर यूं भी ताकत बनी रहती है, आपके अंदर सुविचार कंटिन्यू चलते रहते हैं, हर जगह आपको मान सम्मान मिलता है। हाँ, यदि लाइफ में कभी दुष्ट लोग मिल गए तो अपमान भी हो सकता है, लेकिन बेफिक्र रहें। आपकी लाइफ में हमेशा, जैसे आप पढ़ाई लिखाई में आगे रहेंगे, आपको स्वच्छता अच्छी लगेगी, और कहीं पर जैसे शादी ब्याह है उसके मामले में आपको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, फटाफट आपके काम होंगे,
और कभी भी पैसों के लिए, पैसों से आप मोहताज नहीं होते, पैसे हमेशा आपके पास आते रहते हैं। और ये जो उपाय मैं आपको बताती हूँ, इस उपाय को आप गुरुवार के दिन कर दीजिए, आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में हमेशा सुख और समृद्धि का वास रहेगा। ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है, गुरुवार के दिन आपको तुलसी का जहाँ पौधा लगता हो उसके जड़ के पास की मिट्टी का तिलक करना है, और यदि इस मिट्टी के साथ आप थोड़ा सा केसर और हल्दी भी मिला लें, और हर गुरुवार को आप इस चीज का तिलक करें, आपको हर कदम कदम पर सफलता मिलेगी। जो आपके बड़े बुजुर्ग हो आपके घर में, गुरुवार के दिन आप अवश्य ही उनके चरण स्पर्श करें और उनके आशीर्वाद लें। ऐसा करने से आपकी लाइफ में प्रोग्रेस ही प्रोग्रेस होती है। गुरुवार के दिन आप बेसन से बनी हुई कोई भी चीज, जैसे पकोड़े हैं या और कोई भी चीज हो जो बेसन की आप बनाएं, और अपने अपने से जो बड़े हैं उन्हें आप खिलाएं। ऐसा करने से हमेशा उनके शुभ आशीर्वाद आपके साथ रहते हैं और लाइफ में आप आगे ही बढ़ते हैं। ऐसा करने से बड़े बुजुर्गों के भी आपको आशीर्वाद मिलते हैं, आपके गुरुजनों की भी आपके ऊपर कृपा होती है यदि गुरु आपके खुश हैं। गुरुवार के दिन पीली गाय को, मतलब कि लाल जो दिखाई देती है, आपको उस गाय को थोड़ी सी चने की दाल खिलानी है। ऐसा करने से सारे के सारे देवी देवता आपके ऊपर खुश रहते हैं और हर काम में आपको सफलता मिलती है। गुरुवार के दिन जब आप घर से निकलते हैं, या वे लोग जो गुरु प्रधान हैं, जिनकी जन्म तारीख 3 है, 12 है, 21 है, 30 है, ये लोग हमेशा अपनी जेब में ये तीनों ही चीजें, हल्दी, केसर और तुलसी के पौधे की जड़ की मिट्टी, इसे मिक्स करके इसकी पुड़िया बना करके हमेशा अपनी जेब में रखें। कदम कदम पर आपको सफलता मिलेगी। जिन्हें गुरु की कृपा चाहिए वे लोग भी इस उपाय को अवश्य ही करें, हमेशा आपके ऊपर गुरु प्रसन्न रहेंगे। गुरुवार के दिन हल्दी वाला दूध अवश्य ही पिए, हल्दी वाला जल घर में अवश्य ही छिड़के, घर में कभी नेगेटिविटी का वास नहीं रहेगा। गुरुवार के दिन भगवान श्री हरि की मूर्ति पर हल्दी वाला जल अवश्य ही छिड़के, यदि प्रतिमा है और मूर्ति है तो केशर हल्दी वाले जल से आप उनका स्नान करवाएं। आप लाइफ में कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखेंगे, हमेशा उत्तरोत्तर आपका प्रोग्रेस होता ही रहेगा। बहुत साधारण से उपाय ही करने के लिए, करते रहें खुश, जय श्री कृष्ण।